हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे हो आप। से उम्मीद करते काफ़ी अच्छे होंगे। सेंट्रोजिया ट्रीटन ब्लास्ट का 11th मैच जो कवर करे VFNR वर्सेस BLS के बीच में दोस्तों ये मैच होगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या कुछ हमारी टीम कॉम्बिनेशन स्मॉली के लिए रहेंगे और क्या कुछ हमारे ग्रैंडलिस्ट के इंपॉर्टेंट प्लेयर्स रहेंगे। और हमने ऐसे दोनों ही टीमों की ओर से काफ़ी सारे रिसर्च एंड एनालिसिस करने पर एज अ लो सिलेक्शन वाइज प्लेयर्स इस मैच में आप सभी को देखने को मिलेंगे, जो यहाँ से स्मॉली के साथ साथ आप सभी को मिनी जीएल और ग्रैंडलिक्स भी विन करा कर देंगे। और साथ ही जानेंगे किस प्लेयर को हम यहाँ से स्मॉली के टीम्स में पिक करके चलना, किस प्लेयर को हम यहाँ से ग्रैंडलिस्ट की कॉम्बिनेशन में रखना, विथ जो भी हमारी कैप्टन वाइस कप्तान के लिए डिफॉल्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शंस रहेंगे, हम उनके बारे में भी डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट रहेगा जितना कि इस मुकाबले को विन करना। तो आप सभी लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, बिना स्किप के एंड तक देखिएगा। और दोस्तों सबसे पहले जो लोग भी अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर दीजिएगा, ताकि दोस्तों आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन वगैरह आपको मिलते रहेंगे। और वैसे भी आप सभी लोगों का प्यार और समर्थन मिलता रहता है तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। अभी हम चलते हैं और प्लेयर प्रेडिक्शन के बारे में डिटेल्स में कवर करते हैं। और भाई सबसे पहले तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, क्योंकि ऑफिशियली प्लेइंग 11 बैटिंग ऑर्डर के बाद जो भी हमारी फाइनल टीम रहेंगी अपडेट्स टेलीग्राम्स पे देंगे। और यहाँ पर जुड़ने के लिए आप सभी को सर्च नहीं करना, वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे हमने आपको लिंक दिए हैं, और जैसे लिंक पर क्लिक करोगे ना डायरेक्टली चैनल पर जुड़ जाओगे। और यहाँ पर जुड़ने के बाद आप सभी को सिर्फ मैच के टाइम लास्ट के मिनटों तक एक्टिव रहना, ताकि जो भी हमारी फाइनल टीम होंगी वो चाहे ग्रैंडलिस्ट की टीम हो या फिर स्मॉली की टीम्स हो, टेलीग्राम्स पे मिलेंगे। और जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नीचे हमने लिंक दिए हैं उसी पर क्लिक करना और डायरेक्टली जुड़ जाना। और आपको स्कैम और फ्रॉड से बचना, ताकि आप हमारे रियल चैनल पर जुड़ो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ से ट्रंप प्लेयर्स और हमारे लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर्स के बारे में। तो यहाँ पर देखो ये सेंट लूसिया ट्रीटन ब्लास्ट का 11th मैच है जो 9:30 बजे करीब है डायरन सेमी नेशनल क्रिकेट स्टेडियम पर मैच स्टार्ट हो रहा है, जहाँ पर इससे पहले के सारे बाकी के मुकाबले इसी वेन्यू पर ही हुए थे। एवरेज स्कोर 80 से 120 के बीच में स्कोर बनते हुए दिखेंगे। दोस्तों ये सेंट लूसिया ट्रीटन ब्लास्ट का 11th मैच है जो 9:30 बजे करीब में डायरन सेमी नेशनल क्रिकेट स्टेडियम पर मैच हुआ है। और एवरेज स्कोर की अगर हम बात करें तो 180 से 120 के बीच में स्कोर बनते हुए दिखेंगे। पिच रिपोर्ट देखो तो बैलेंसड ही नजर आएंगे, जहाँ पर बॉलिंग और बैटिंग दोनों को इस वेन्यू पर अच्छे खास हेल्प मिले। और ये चीज़ें हम रिसेंट के मैचों में भी ऑलरेडी इस वेन्यू पर देख चुके, तो बैलेंसड ही पिच ऐसा लेकर चलना। अब देखो यहाँ पर जो इनकी वेन्यू स्कोरिंग पैटर्न है, रिसेंट के 21 मुकाबले जो इस वेन्यू पर खेले गए थे, जैसे बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने 9 बार विन किए, बॉलिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने 12 बार विन की थी। वहीं अगर फर्स्ट इनिंग बैटिंग एवरेज स्कोर देखें तो 137 का, जहाँ पर सेकेंड इनिंग 126 का नजर आएंगे। टोटल हाइस्ट स्कोर इस वेन्यू पर 197/7 विकेट रहा था। और हमारे टेलीग्राम सभी तक जो लोग भी नहीं जुड़े तो ज्वाइन कर लेना, क्योंकि बैटिंग ऑर्डर और टॉस के बाद जो भी हमारी फाइनल टीम रहेंगी सारे अपडेट्स टेलीग्राम्स पे देंगे, और जो भी इनकी ऑफिशियली प्लेइंग 11 बैटिंग ऑर्डर में चेंजेस होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर जो VFNR की टीम है इनकी पॉसिबल प्लेइंग 11 बैटिंग ऑर्डर के बारे में। और देखोगे तो इनकी टीम ने रिसेंट के 2 मैचों में दोनों ही मुकाबले अपने लॉस करके आ रही है। दोस्तों इनकी ही टीम की ओर से यहाँ पर एरनेल नजर आएंगे जो ओपनिंग बैटिंग रहा था, उस टीम की ओर से दिखेंगे राइट हैंडर बैट्समैन है। दोस्तों ट्रीटन के 8 मैचेस 2 रन 1 का एवरेज 2 ही विकेट था। टोटल इन्होंने 16 ओवर के बॉलिंग कराए, 2 ओवर कंप्लीटली अपने हर एक मैच में बॉलिंग कराते हुए दिखेंगे। पर इनका जो फर्स्ट मैच हुआ था वहाँ पर इन्होंने डक पर आउट हुए थे, दूसरे मैच इन्होंने खेला नहीं, और शायद इस मैच में इनको खेलने को मौका मिल सकता है। और खेलते भी हैं तो यहाँ से हम इनको ग्रैंडलिस्ट के टीम्स में ही पिक करेंगे। अब एंथोनी आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट ऑप्शन रह सकते हैं। राइट हैंडर बैट्समैन दोस्तों 3 मुकाबले ट्रीटन के अंदर खेले, 53 रन 17 का औसत, रिसेंट फॉर्म देखोगे तो 24 और 26 का स्कोर, जहाँ पे ये विकेटलेस रहे वो भी इन्होंने 1 ओवर के बॉलिंग करा। एंथोनी इस मुकाबले के लिए एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन रहेंगे, जो कि कैप्टन वगैरह जीएल के टीम्स में भी आप सब ट्राई कर सकते हो। उसके बाद यहाँ अगर हम बात करेंगे जो डैन की फॉर्म है ना दोस्तों, डैन एडवर्ड्स का जो फॉर्म है ना, राइट हैंडर बैट्समैन है और ये राइट टाइम ऑफ ब्रेकर बॉलिंग पर टीटन के 4 मैचों में 51 रन 17 का एवरेज विकेटलेस रहे, और रिसेंट फॉर्म 31 और 7 का स्कोर है। फर्स्ट इनिंग में टीम इनकी बैटिंग कराएंगे तो इनको यहाँ से अपने टीम्स में पिक करके चलेंगे, वरना हम इन्हें ड्रॉप कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो दोस्तों कुर्त एडवर्ड का फॉर्म है ना, राइट हैंडर बैट्समैन राइट मीडियम में भी बॉलिंग करते हैं, टीटन के 7 मैचेस 156 रन 52 का औसत है, विकेटलेस रहे और रिसेंट के 2 मुकाबले खेले जहाँ पे ना तो बैटिंग ना तो बॉलिंग कुछ खास अच्छा इनके लिए मैच रहा नहीं, पर ये अपने बॉलिंग बैटिंग करा रहे हैं और आपको डिफरेंशियल ऑप्शंस के तौर पर एज अ ग्रैंडलिस्ट के टीम्स में रखना चाहिए, बाकी हम स्मॉली के रखने के सजेशन देंगे नहीं। अब यहाँ पे दोस्तों अविन एडवर्ड की अगर हम बात करें तो राइट हैंडर बैट्समैन टीटन के 2 मैचों में 38 रन 19 का औसत, रिसेंट फॉर्म देखो तो 0 और 16 का स्कोर है, और ये आपको फिफ्थ ऑन एज बैटिंग करते हुए नजर आएंगे। और मिडल ऑर्डर बैटिंग ऑप्शन से एज अ ग्रैंडलिस्ट के इंपॉर्टेंट है, अभी स्मॉली में हम इनको रखेंगे नहीं। टीम के पास जो इनके पास ऑलराउंडर्स कुछ भी खास अच्छा है नहीं। अगर थॉमस का भी फॉर्म देखो तो 3 मैचों में 21 रन 21 का औसत, और T20s के 5 मैचों में 111 रन 37 का औसत, 8 विकेट था, पर टीटन के अंदर कुछ खास अच्छा इनके मुकाबले गए नहीं। और फर्स्ट मैच में विकेटलेस रहे 1 ओवर के बॉलिंग, और दूसरे मैच में सिर्फ
इन्होंने दो ही रन का स्कोर किए थे, तो ज़्यादातर ये सेफ है तो ग्रैंड लिस्ट के ही है। बाकी यहाँ पर जो जूनियर पीटर है विकेट कीप नहीं कराते हुए दिखेंगे, लास्ट के मैच में 5 रन था, इससे पहले ये विकेट लेस मतलब दोस्तों इन्होंने तो बैटिंग ना तो बॉलिंग करा, पर T10 के 9 मैचों में 134 रन 16 का औसत है, यहाँ से ये खेलते भी हैं तो इनको हम ग्रैंड लिस्ट की टीम से रखेंगे। टीम के जो इनके पास मेन बॉलिंग ऑप्शन है, तो आपके पास देखो तो जिस तरह से मोसेस T10 के 8 मैचों में 6 विकेट निकाल चुके, राइट में फास्ट बॉलिंग, फर्स्ट मैच फ्लॉप, सेकंड मैच फ्लॉप, और ये अपने कम्प्लीटली स्टार्टिंग से ओवर बॉलिंग कराते हुए दिखेंगे। और ये अभी हम इनको स्मॉलिंग में तो नहीं रखेंगे, बाकी ग्रैंड लीग के टीम्स में रिस्क ले पा रहे हो तो ज़रूर से ट्राई करना दोस्तों। बाकी यहाँ पर जो सेलेमोन टीम के मेन बॉलिंग 5 मैचों में 2 विकेट 2 मुकाबले से काफ़ी बढ़िया टच में चले, फर्स्ट मैच इनका 3 विकेट, सेकेंड मैच में 2 विकेट निकाले, तो कहीं ना कहीं बॉलिंग ऑप्शन इनके पास बेहतरीन है। और एज अ प्लेयर इनको टीम से पिक करके जाएंगे, प्रिंसेस शायद इस मैच में खेलते हुए दिखेंगे, 9 मैचों में 6 विकेट, राइट में ऑफिस पे इन बॉलिंग है। और यहाँ से ट्रेनी के जो फॉर्म है ना, ऑलमोस्ट अगर आप देखो तो 5 मैचों में 5 विकेट, फर्स्ट मैच 1 विकेट, सेकंड मैच विकेटलेस रहे, और अभी इसे दोनों में से किसी एक प्लेयर्स को अपने टीम से पिक करके जाना। और बेंच प्लेयर्स इनके जो भी प्लेयर यहाँ से खेलते हैं दोस्तों, सारे अपडेट्स इन्फॉर्मेशन मेरे ऑफिशियली रियल टेलीग्राम्स पे ही टीम मिलेंगी, टेलीग्राम से ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको दे दिए हैं। अब यहाँ पर जो BLS के टीम है ना, रीसेंट के 2 मैचों में 1 विन 1 लॉस है दोस्तों, और इनकी टीम थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है। अब देखो तो क्लेवे थॉमस ओपनिंग बैटिंग करवाई, राइट हैंडर बैट्समैन, राइट मीडियम बॉलिंग है, T10 के 4 मैचों में 71 रन 17 का औसत और 6 विकेट थे, जहाँ पर फर्स्ट मैच में 31 का स्कोर ये विकेटलेस रहे, जहाँ पर 1 ओवर के बॉलिंग, और दूसरे मैच में 44 का स्कोर करके विकेटलेस रहे, 2 ओवर के बॉलिंग, एक डिसेंट पिक रहेंगे जो बॉलिंग और बैटिंग करके देंगे। बॉलिंग में तो कैप्टन करना ही है, साथ ही मिनी जेलो ग्रैंड लीग के टीम्स वगैरह में भी इनको करके जाना। अब यहाँ पे जो जोनेल का फॉर्म है ना दोस्तों, राइट लेफ्ट हैंडर बैट्समैन, राइट मीडियम बॉलिंग, T10 के 14 मैचों से 139 रन 19 का एवरेज और टोटल 10 विकेट थे दोस्तों, जहाँ पे रिसेंट फॉर्म, फर्स्ट मैच इनका 31 का स्कोर ये विकेटलेस रहे, 1 ओवर के बॉलिंग, और दूसरे मैच में 69 का स्कोर, और ये दोनों ही ओपनर्स इस मैच के वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन रहेंगे, जो कि स्मॉलिंग में भी चाहो तो कैप्टन या वाइस कप्तान आप सब कर सकते हो, और GL के भी हम 2 से 4 टीमों में करके चलेंगे, तो ज़रूर से ट्राई करना दोस्तों। उसके बाद जोसफ, अब देखो तो इनकी कुछ खास सीजन बेहतरीन मुकाबले गए नहीं, फर्स्ट मैच में 1 रन का स्कोर था, दूसरे मैच में न तो बैटिंग न तो बॉलिंग से इनको मौका ही नहीं मिला, पर T10 के 8 मैचेस से 163 रन 32 का औसत 6 विकेट, ये टीम के कैप्टनसी कर रहे हैं। और ये जो सब आप सभी के लिए फर्स्ट इनिंग में टीम बैटिंग कराती तो फिर जैकपॉट ऑप्शन रहेंगे, ग्रैंड लीग के भी टीम्स में कैप्टन ट्राई करके जाना। एल्विन को रखने से कुछ खास प्रॉफिट नहीं है, ना तो बैटिंग ना तो बॉलिंग करा रहे, अगर आपको रिस्क लेना ही होगा तो जया के साथ जाओ। और राइट हैंडर बैट्समैन, राइट मीडियम बॉलिंग है, T10 के 4 मैचेस 42 रन 14 का एवरेज 1 विकेट, और रिसेंट के 2 मैचों में इनको फर्स्ट मुकाबले 1 विकेट, दूसरे मैच में 2 विकेट, और ये 2 ओवर अपने बॉलिंग कराते हुए दिखेंगे, कैप्टन वगैरह GL और मिनी ग्रैंड लीग के टीम्स में भी करके जाना। एलेक्स जोसफ और जो हैनरी है दोस्तों, मिडल ऑर्डर बैटिंग है, रखने से कुछ खास प्रॉफिट है नहीं, अब ना तो इनको हम ग्रैंड लीग में रखेंगे ना तो स्मॉलिंग में रखेंगे, इनको टीम से बाहर रख रहे हैं। अब यहाँ पे जो जोशुआ है दोस्तों, ऑलमोस्ट देखो तो राइट में फास्ट बॉलिंग है, T10 के 2 मैचेस 41 का औसत है, विकेटलेस रहे, 2 ओवर के बॉलिंग, रिसेंट फॉर्म, 2 विकेट और कहीं ना कहीं इस मुकाबले के वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन से विकेट टेकर्स नजर आएंगे। टीम्स के साथ साथ कैप्टन वगैरह भी इनको ट्राई करना। उसके बाद यहाँ पर जो विनफ्रेड है, ऑलमोस्ट ये ग्रैंड लीग के सिर्फ T10 के 4 मैचों में 1 विकेट था दोस्तों, रिसेंट के मुकाबले खेले ना तो बैटिंग ना तो बॉलिंग, यहाँ से ये खेलते भी हैं तो जब GL के टीम में पिक करेंगे। अब यहाँ पर डेवोन इस मैच में खेलते हुए दिखेंगे दोस्तों, 4 मैचों में इनको 2 विकेट मिले, और ये खासियत ये चीज़ है कि अपने कंप्लीटली ये 2 ओवर बॉलिंग कराते हुए दिखेंगे, पर ये राइट में फास्ट बॉलर है, फर्स्ट मैच ही विकेटलेस रहे, दूसरे मैच में DNP गए। रिमोंड्स का जो फॉर्म है, रोसिमोंड का जो फॉर्म है ना दोस्तों, राइट में मीडियम बॉलिंग है, T10 के 3 मैचों में 1 विकेट, फर्स्ट मैच 1 विकेट, सेकंड मुकाबला फ्लॉप था, और आप डिवोन या फिर इन दोनों में से किसी एक बॉलिंग ऑप्शंस को टीम्स में ज़रूर से पिक करना। और बेंच प्लेयर्स इनके जो भी प्लेयर यहाँ से खेलेंगे, इनके सारे अपडेट्स इन्फॉर्मेशन मेरे रियल टेलीग्राम्स पर टीम मिलेंगे, जुड़ने के लिए टेलीग्राम पर सर्च नहीं करना, वीडियो को डिस्क्रिप्शन के लिंक से जुड़ना। और अभी दोस्तों हम चलते हैं अपने ड्रीम 11 टीम्स की बात करते हैं। अब दोस्तों ये देखो मेरे 7 और 4 कॉम्बिनेशन है, सेम टीम के साथ इन्वेस्टमेंट कर, अगर आपको जो चीज़ें सही गलत लग रहा हो चेंजेस कर सकते हो, और मेरे हिसाब से ये मेरी जो टीम है पूरी तरह से परफेक्ट है। अब देखो तो यहाँ पर BLS के हमने 7 प्लेयर्स रखे हैं, जहाँ पे कैप्टन के लिए अगर आप सेफली जाओ तो ये आपके पास जोनल वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन, रीजन बॉलिंग बैटिंग करा रहे हैं तो इनको कैप्टन करना बनता है। ये जो वाइस कप्तान अगर आप चाहो तो सोलेमन के साथ जा सकते हो, हम थोड़ी सी यहाँ पर रिस्क लेंगे, थॉमस हमारी टीम के वाइस कप्तान रहेंगे, रीजन टीम के बॉलिंग बैटिंग करा रहे तो ये सेफली ऑप्शन रहेंगे। बाकी जोसफ इस मुकाबले के जैकपॉट प्लेयर्स रहेंगे, जिसको भी रिस्क लेना हो टीम्स में ज़रूर से ट्राई करना। बाकी दोस्तों आप सेम टीम के साथ 3 से 4 मेरे कॉन्टेस्ट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, और हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करो ताकि जो भी हम अपडेट्स वगैरह करेंगे इसकी नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहेंगे। बाकी दोस्तों अभी मिलते हैं अगले वीडियोज़ में किसी नेक्स्ट मैच उसकी प्रेडिक्शन के साथ।